जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राजमिश्रा। फरवरी में क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, किन चीजों पर हमको विशेष ध्यान रखना है, आज इसी विषय पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम में कि आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो। जब भी मैं तुला राशि की चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आखिर सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, शायद सभी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं, लेकिन लोगों की तरफ से शायद उनको एक अप्रिसिएशन या एक सपोर्ट, एक समय जो प्राप्त होना चाहिए वो भी नहीं होता। जब मैं तुला राशि की बात करता हूं तो मैं उस जातक जातिका की बात करता हूं जो शायद कहता है या कहती है कि कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी, कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी, तोहफे में घड़ी तो दी मगर वक्त कभी नहीं दिया। सो लोग काम हो जाने पर तोते की तरह आंखें बदल लेते हैं, इस प्रकार की घटना अधिकतम तुला राशि के जातक जातिका के साथ देखी गई है। खैर, फरवरी में क्या रहेगी ग्रह की पोजीशन और क्या आपको ध्यान रखना है, कौन से दिन होंगे आपके लिए बेहतर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए आपके फोर्थ हाउस के अंतर्गत मंगल गोचर करेंगे, सूर्य गोचर करेंगे और बुध गोचर करेंगे। शुक्र आपके थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु आपके सिक्स्थ हाउस में गोचर करेंगे, शनि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और केतु आपके ट्वेल्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाली है। अब आखिर हम बात करते हैं कि क्या होगा फरवरी में, होने वाला क्या है। सो आपके राशि स्वामी के स्वयं थर्ड हाउस में गोचर करने के कारण बहुत सारी यात्राएं आपकी होने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी यात्राएं आप फरवरी में करने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। साथ में आपका आत्मविश्वास गजब का रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका फरवरी महीने में निश्चित रूप से बढ़ा रहेगा। फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल का गोचर और साथ में इलेवंथ हाउस स्वामी शुक्र का सूर्य का गोचर और भाग्येश जो है आपके बुद्ध का गोचर, एक प्रकार के राजयोग को यानी लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी योग को तैयार कर रहा है। इस योग के बनने के कारण प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का संयोग बनेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर का जो सपना था वो पूरा होगा, या कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिन से बेचना चाहते थे, बेचना चाहती थी, तो वो जो सपना है वो आपका निश्चित रूप से पूर्ण होता होने जा रहा है। अच्छा, टेंथ हाउस पर तीन तीन ग्रह दृष्टि देंगे। सो टेंथ हाउस पर तीनों ग्रह का दृष्टि का संयोग बन रहा है कि जो जातक अपने नौकरी को परिवर्तित करना चाहते थे उनकी नौकरी में परिवर्तन जरूर होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी की आवश्यकता थोड़ी रहेगी, हेल्थ को लेकर के अपने आप को ध्यान रखना होगा, सावधान रखना होगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत परिवर्तन जरूर नजर आएगा। एजुकेशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं, सो एजुकेशन को लेकर के जो अभी का समय है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा। एजुकेशन की परिस्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से ठीक रहेंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पढ़ाई इत्यादि आपका बेहतर रहेगा, एजुकेशन आपका बेहतर रहेगा। बच्चों को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैरिज को लेकर के, मैरिड लाइफ का आखिर क्या होगा, मैरिड लाइफ किस प्रकार चलेगी, क्या कंडीशन होगी। सो सेवंथ हाउस में बृहस्पति गोचर करेंगे, सेवंथ के स्वामी एग्जॉल्टेड रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इस महीने शादी से संबंधित रुका हुआ कार्य आपका बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आपके दिख रहा है। जीवन साथी की नौकरी लगे, उनके व्यापार में वृद्धि हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। लेकिन जीवन साथी को अचानक क्रोध उत्पन्न हो, जीवन साथी को अचानक क्रोध उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो, उसके कारण पर्सनल रिलेशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि के अंतर्गत है। सो प्लीज थोड़ा सा जब जीवन साथी को क्रोध आए तो अपने क्रोध को कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस क्रोध के कारण रिलेशन काफी डिस्टर्ब हो सकता है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो वहां पर तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें आपकी राशि के लिए बेहतरीन है। विदेश यात्रा के लिए अगर 20 से लेकर के 24 तारीख के बीच में ट्राई किया जाएगा, ध्यान रखिएगा 20 से 24 तारीख का जो समय है विदेश यात्रा के लिए किए गए प्रयास निश्चित रूप से इस टाइम पर अच्छे सफलता देने वाले होंगे। संतान को लेकर के
10 और 12 तारीख को बहुत शुभ समाचार आपके प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ में इस बार 3 धार्मिक यात्राएं आपकी इस महीने में दिख रही हैं, जो 3 धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। बस अपने क्रोध पर आपको स्वयं भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा। देखिए राशिफल कितना लंबा हो सकता है, छोटा समय होता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत लंबा राशिफल तैयार नहीं कर सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है, समय लेकर के बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।